तो स्टूडेंट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट हमने 8 क्लास का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था। 5.1 तो हो गई थी, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हमने स्टार्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड करो एक्स माइनस 2y + 3z। अगर आपको दिया गया है, यानी इफ अगर आपको दिया गया है एक्स की वैल्यू दी गई है, वाई की वैल्यू दी गई है एंड जेड की वैल्यू आपको दे दी गई है, तो आपने करना क्या है, आपने वही इक्वेशन उतारनी है जो आपने फाइंड करनी है। अब आपने इस इक्वेशन में देखना है, सबसे पहले एक्स इस्तेमाल हुआ है तो एक्स की जो वैल्यू है वो लिखो, वो है 2a² - a³ + 3a + 4। इसके आसपास ब्रैकेट लगा दो, इर्द-गिर्द ब्रैकेट लगा दो, उसके बाद आपने -2 उतारना है, फिर y की कीमत पुट करनी है। y की कीमत है 2a³ - 3a² + 2 - 2a। उसके बाद आपने 3 वैसे उतारना है। अब z की कीमत लिखनी है, a³ + 3a³ - 6 - 5a² यानी स्क्वायर। अब आपने करना क्या है, ओपन कर देनी ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स खत्म कर देनी है। तो ब्रैकेट्स खत्म करने के लिए हमने ब्रैकेट्स को हटा दिया। अब आपने क्या करना है, -2 को अंदर हर एक रकम के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब माइनस को करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, इसके साथ प्लस है तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा, इसके साथ माइनस है प्लस में, इसके साथ प्लस है माइनस में, इसके साथ माइनस है तो प्लस में। अब 2 को हर एक रकम के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 × 4a³ - 2 × 3 = 6a² + 2 × 4 = 4a। अब 3 सिर्फ है, प्लस है, प्लस साइन चेंज नहीं करता, आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3a³ + 9a³ - 18 - 15a². अब आपने क्या करना है, a की सबसे बड़ी पावर जो है वो पहले लिख दो। तो मैंने सबसे बड़ी पावर 4 देखी थी तो उसे वैसे ही लिख दो, क्योंकि 4 और कोई है नहीं इसमें। अब a³ वाली जो है वो नोट करो, a k है और a k है, तो 9 बड़ी है उसे पहले लिखो, 9a³। अब इन दोनों को ऐड कर दो, माइनस माइनस ऐड होता है, लेकिन बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है, आपने वही माइनस का साइन उतारना है और आपने इन दोनों को ऐड कर देना 5a³। अब a² वाली, एक ए है वो -15 बड़ी है उसे पहले लिख लो। अब ये दो ऐड हो रही है, ये और ये ऐड हो जाएंगी तो +8a²। अब उसके बाद a² हो गई, अब a आ गई, एक ए है और एक ए, ये दोनों ऐड हो जाएंगी, 7a बन जाएगी, दोनों ऐड होती हैं। उसके बाद अब a से बगैर आ गई, ये प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों सेम है तो दोनों कटिंग हो जाएगी, यानी माइनस हो गई। अब एंड पे एक -18 रह गया, उसे वैसे उतारो। अब 3a⁴ बड़ी रकम के साथ प्लस है, प्लस लगाओ, प्लस माइनस माइनस होकर ये 4 रह गए, बड़ी रकम के साथ माइनस है, माइनस लगाओ, प्लस माइनस माइनस होकर 7a² रह गया, +7a वैसे ही एंड -18 वैसे ही, इसका आंसर यही है। तो हमने इसकी कीमत निकालनी थी तो इसकी कीमत ये निकल आई है। चलो बेटा अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर का मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है दो कसीरों का जमा, यानी 2 पॉलिनोमियल्स को हम सम करते हैं, उनका आंसर ये आया। उन 2 पॉलिनोमियल में से एक पॉलिनोमियल आपको दे दिया गया, तो सेकंड पॉलिनोमियल क्या होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 15, मैंने कहा वो 15 एक नंबर है, दो नंबरों को जमा करने के बाद आया, मैंने कहा उनमें से एक नंबर आपको 7 दे दिया गया है, तो दूसरी क्या होगी, आप क्या करेंगे 15 में से 7 जल्दी जल्दी माइनस करेंगे, 8 आ जाएगा आंसर। इसी तरह आपने बड़ी में से छोटी को माइनस किया, यानी दो जमा किए थे उनमें से जो एक थी आपने वो माइनस की तो दूसरी आई है, तो आप ऐसा करो आपने जो दो जमा किए हैं वो पहले लिखनी है और जो आपकी एक है वो इसमें से माइनस कर देनी है। ये वैसे ही आ गई, साइन चेंज किए,
जो सेम थी वो कटिंग हो गई, अब ये 2x रह गया, ये प्लस 2xy रह गया, ये माइनस वाई स्क्वायर रह गया और ये माइनस 3 रह गया। ये इसी का आंसर है। तो हमने जो फाइंड किया है अदर पॉलिनोमियल तो वो ये है। दूसरी कसीर रकमी, ठीक है, तो ये हमारी अदर पॉलिनोमियल है। तो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा क्वेश्चन नंबर 5 पर।